अपाहिज लोगों की वजह से ही बचा है, जिनको कुछ नहीं मिलता है, जो दिन भर जंगलों में अपने घर से खा के जाते हैं और घर से बच्चों की भी डांट खाते। मैं पूर्व सैनिक भुवन कटाई संपूर्ण उत्तराखंड के मूल निवासियों से और अभी तक के जितने भी विधायक पूर्व वर्तमान जितने भी सांसद और जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं। मैं एक आज की नहीं, मैं पूछ रहा हूं 24 साल का हिसाब ले रहा हूं। मेरे को 24 साल का हिसाब चाहिए। राज्य आंदोलनकारी 42 सांसदों ने घोषणा की थी कि स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनेगी, ये किसी सरकार ने नहीं और उन आंदोलनकारियों ने घोषणा की थी कि स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनेगी। मैं पूछना चाहता हूँ सभी मूल निवासियों से कि क्यों ये राज्य आप लोगों ने लिया, किसके लिए लिया आपने? क्या बाहरी प्रदेश के माफियाओं के लिए? क्या राज्य ये शहादतें आपने इनके लिए दी? मैं अपने मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये शहादतें किस लिए हुई? तो क्यों हमको 24 साल से ठगा जा रहा है? क्यों नहीं स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाई जा रही है? क्यों नहीं सख्त भू कानून लागू किया जा रहा है? क्यों नहीं मूल निवास लागू किया जाता है? और मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप किस विधान से किस कानून से इसको लागू करते हैं। तो मेरा आपसे कह और मैं सरकार से पहले मूल जनता से कहना चाहता हूँ, क्यों आप लोग 24 साल से ठगे जा रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चों की फीस कोई विधायक दे रहा है? क्या आपके घर का राशन कोई विधायक भर रहा है? क्यों आप खेल खेल रहे हो बीजेपी कांग्रेस यूकेडी या अन्य दलों का? क्यों एक बार आप अपने इष्ट को साक्षी मान के, अपने बाबा केदार को साक्षी मान के, बद्री विशाल को साक्षी मान के एक बार उत्तराखंडी क्यों नहीं हो रहे हो? क्यों हम उत्तराखंडियों का पहाड़ियों का खून पानी बन गया है? कहाँ गए हमारे संस्कार? आज हम सिर्फ इन राष्ट्रीय पार्टियां या कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, क्या हम इनकी दलाली कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को ये पाल रहे हैं? ये इन्होंने केवल प्रदेश में बाहरी माफियाओं को बसा रखा है। और मैं स्पष्ट सभी सरकारों से कहना चाहता हूँ, आज कांग्रेस भी कह रही है भैया तुम भी तो 24 साल शासन में थे। हम बीजेपी को तो कह ही रहे हैं क्योंकि आप शासन में हो, आपको नहीं कहेंगे तो क्या बिहार की सरकार को कहेंगे? क्या आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं हो? क्या हम आपकी जनता नहीं है? ये ड्रामा बंद करो। जब तक आप मूल निवासी उत्तराखंडी नहीं बनोगे, पहाड़ी नहीं बनोगे, पहाड़ी का मतलब होता है पहाड़ी गढ़वाली और कुमाऊनी नहीं, पहाड़ी होता है, तो जागो, अपने आत्मा में झाको, अपने से पूछो। मैं तो स्पष्ट कहूंगा, जब तक हम इन राजनीतिक पार्टियों की दलाली करेंगे, हमारे आने वाला भविष्य हमको गाली देगा। हमारे इष्ट, हमारे भैरवनाथ स्वामी, हमारे बाबा केदार सब यहाँ से चले जाएंगे। तो अपने आत्माओं को जगाओ। अगर आप मजबूत हो गए, जिस दिन से आप इन राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी करना छोड़ दोगे, तो ये खुद नहीं बनाएंगे, तो तब कहना। एक मैं निवेदन भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये केवल मेरे लिए यही है और मेरे बच्चों के लिए यही है। ये संपूर्ण उत्तराखंड की अस्तित्व की बात है, ये पूरे पहाड़ की अस्तित्व की बात है। क्या इसीलिए ये राज्य दिया था हमारे पूर्वज ने? तो मैं तो कड़ा शब्द बोलूंगा ही बोलूंगा, इसमें सरकार से ज्यादा गलती आपकी और मेरी है, जो हम इन राजनीतिक पार्टियों की संतागिरी कर रहे हैं, इनके तलवे चाट रहे हैं। मैं तो पूछूंगा, खुलना पूछूंगा, बीजेपी से भी पूछूंगा, कांग्रेस से भी पूछूंगा और यूकेजी से भी पूछूंगा, जब आप सत्ता में आए थे तो क्यों आपने मलाई खाई? आप तो आंदोलनकारी थे और अभी कहाँ हो आप? और कांग्रेस बोलती है हमने, भैया 24 साल तुम भी तो शासन में थे, तब कहाँ गए थे तुम? और अभी बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं स्थायी राजधानी लागू कर रहे हो? अरे भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में यूसीजी किसने मांगी थी? कोई एक व्यक्ति मेरे को बता सकता है कि हमने यूसीजी मांगी थी? नहीं मांगी थी, किसी ने नहीं मांगी थी। कोई एक व्यक्ति कह जाए मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, किसी ने नहीं मांगा। एक व्यक्ति कह जाए कि हमने यूसीजी मांगी थी, तो बिना मांगे यूसीजी कैसे आ गए मेरे भाई? तो मेरे भाइयों, मेरे उत्तराखंडियों, मेरे पहाड़ियों, समझो इस चीज को। अगर जब तक आप राजनीतिक पार्टियों की दलाली नहीं छोड़ोगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, मेरे पास शब्द नहीं है, वो क्या आपको कहेंगे? 500 और चिकन में जगाओ अपने जमीर को। हम पहाड़ी तो ऐसे होते नहीं थे, हम तो स्वाभिमानी होते थे, मेहनत कश व्यक्ति होते थे,
पहाड़ का चीरा सीना चीर के खाने वाले थे, आज हम बेईमान कैसे बन गए? मैं कहूंगा बेईमान सरकार नहीं, बेईमान मैं हूँ, बेईमान आप सब लोग हैं। बेईमान सरकार नहीं, बेईमान मैं हूँ और बेईमान आप सब लोग हैं। चाहे यहाँ पर आप मेरे को डंडे से मार के गौ लोहान को जो कुछ कहोगे, मैं तो सत्य ही कहूंगा। चाहे किसी को बुरा लगे और मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा कहती है कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं वो बंदा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हमने यह क्षमता होनी चाहिए, अगर मेरे पिताजी मेरे भाई भी अगर भू कानून वो निवास पहाड़ के अस्तित्व की बात नहीं करते हैं, तो हमको उनका भी साथ नहीं देना चाहिए। जय उत्तराखंड।